हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिमा की दुनिया में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन है गाइज। और आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे गाइज। हैप्पी नवरात्र। इस समय गाइज शारदीय नवरात्र चल रहा है। शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखिए, मैंने माता रानी को जलाने के लिए धूप मंगवाया है गूगल का, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और इसको हमने मीशो से परचेज किया है। गाय जी देखिए, एक धूप गूगल हम आपको जला के दिखा रहे हैं, कितना बढ़िया जल रहा है और पूरे घर में इतनी बढ़िया वातावरण खुशबू का हो गया है कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है गाय। और आप लोग भी मंगाइए मीशो से। और इधर देखिए, हमने घी की बत्ती मंगवाया है, इसमें एक डिब्बे में 100-100 पीस है। ये भी बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, आप एक अगर दिया जला देंगे तो लगभग 10 से 12 मिनट आपका यह जलता है और बहुत ही बढ़िया, कुछ भी करना नहीं रहता है, बस माचिस से थोड़ा सा जला दो तो पूरा जलता रहता है। और इधर हमने ऑनलाइन एक चद्दर कॉटन का मंगवाया है, ये भी मीशो से ही परचेज किया है गाइज। बताइएगा कि हमारा चद्दर कैसे है। ये डबल का डबल चद्दर है, डबल बेड का, और बहुत ही बढ़िया कलर है इसका और 100% कॉटन है गाइज। देखिए कैसा है हमारा चद्दर। और ये पिलो कवर है, दो पिलो कवर भी है साथ में। और इधर हमने बेड पे भी बिछा के दिखा दिया है गाइस। देखिए बेड पे कैसे लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। कमेंट करके बताइएगा कैसे लग रहा है। और इधर हमने बॉम्बे डाइन का एक बेडशीट फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, इसको भी बताइए गाइस कैसा है। इसका कलर बहुत ही प्यारा लगा हमको, तो इसलिए हम इसको मंगवाए हैं। और एक ये भी मंगवाए हैं, इसको भी बताइएगा कि कैसा है। गाइज हमारे दोनों बेड शीट्स कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और आगे हमारे वीडियो में बने रहिए। इधर हमारे माता जी हैं, नवरात्र का दिन चल रहा है, बहुत ही अच्छी हमारी माता जी लग रही हैं और हमने पूजा वगैरह कर लिया है। देखिए हमारी माता रानी बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, जैसे कि एकदम मन खुश हो जाता है देख के। इधर हमारे गणपत भगवान बैठे हुए हैं, इधर हमारा दिया जल रहा है और बहुत ही नॉर्मल तरीके से ही गाइस पूजा करते हैं। वैसे हम व्रत नहीं रहते हैं लेकिन हम पूजा करते हैं, अपना कलश स्थापन इधर किए हैं और हमारी पूजा वगैरह सब हो गया है। इधर हम आ गए हैं किचन में, इधर हम आपको गाइस बना के दिखा रहे हैं मैदे और आलू से कचौड़ी। और इसको बनाने के लिए गाइस हम इसने 2 कटोरी मैदा लिए हैं और आलू को हमने अच्छे से मैश कर दिया। इसमें 1/2 स्पून जीरा डाला है, 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून सौंफ हमने ऐड किया है और चाट मसाला को ऐड करके स्वादानुसार नमक ऐड कर दिया है और हरी धनिया की पत्ती, कटा हुआ मिर्चा ऐड कर दिया है और 2 स्पून इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिए हैं गाइज। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनती है, नाश्ते में आप खाएं या चाय के साथ या कोई मेहमान आ जाए गाइज। आटे को अच्छे से हम मैश करके इसका अच्छे से ड्यू तैयार करेंगे। बहुत ही कम पानी हमको डालना है, लगभग बस बहुत मात्र नाम मात्र का पानी इसमें पड़ेगा। 2 से 3 स्पून पानी इसमें ऐड करेंगे गाइज, बस बहुत ज़्यादा पानी नहीं है क्योंकि आलू में मॉइस्चराइज होता है तो इसलिए थोड़ा नमी उसमें भी सोख लेता है आटे में। और इसको हमको एक बढ़िया सा ड्यू तैयार कर देना है। देखिए हमारा ड्यू तैयार हो गया है, इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक देंगे गाइज। गाइज देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं और बहुत ही कम पानी लगा है। और इसको हम ऐसे छोटे थोड़ा मोटे मोटे में पूड़ी की तरह बेल लेंगे। मिक्स कचौड़ी है मैदे और आलू से, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी बनती है। इधर हमने कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई में हमारा तेल गर्म हो गया और कचौड़ी को ऐड कर देंगे गाइज। और हमको कचौड़ी को मीडियम फ्लेम पर ही तलना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं तलना है, नहीं तो हमारी कचौड़ियाँ अंदर से तो कच्ची रह जाएंगी, बाहर से भुन जाएंगी। तो देखिए मीडियम फ्लेम पे ही हम तल रहे हैं और हमारी कचौड़ी बहुत ही बढ़िया बन रही है। देखिए फूल कैसे रही है, बहुत ही बढ़िया फूली फूली कचौड़ी हमारी तैयार हो रही है गाइज। मीडियम फ्लेम पे ही बनाइएगा, देखिए हमारी कचौड़ी बन के रेडी हो गई है और बहुत ही अच्छे से फूल रही है।
ये देखिए हमारी कचौड़ी गाइज बन के रेडी हो गई है। और हमारी कचौड़ी की रेसिपी और हमारा वीडियो ब्लॉग आपको पसंद आए तो कमेंट करके कमेंट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसे लगा है। वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है गाइज, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में साथ, और बाय दोस्तों। Thank you.